नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे ऐसे प्लांट की जिसके लगाने से आपके घर में धन की वर्षा हो जाती है। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं। ये देखिए दोस्तों, ये हमारे सामने है क्रैसुला का प्लांट। दोस्तों, इसे कहते हैं कि इसको घर में लगाने से धन की वर्षा हो जाती है। माना जाता है कुबेर महाराज का और लक्ष्मी रानी का यह बहुत ही प्रिय पौधा होता है। तो चलिए दोस्तों, मैं बताता हूँ आज आपको कि इसको किस दिशा में लगाना है जिससे आपको ये बेनिफिट मिलेंगे, और कैसे इसकी केयर करनी है, घर के अंदर लगाना है या घर के बाहर लगाना है। तो चलिए बताता हूँ दोस्तों। देखिए दोस्तों, सबसे पहले हम बात करेंगे इसके सॉइल की। तो अगर आप मेरे पॉट में देखेंगे तो आपको इसमें अंदर कंकड़ पत्थर दिख रहे होंगे छोटे छोटे, ये देखिए दोस्तों। तो दोस्तों, सबसे पहले इसको एक बैलेंस सॉइल बनानी होती है जिसमें इस प्लांट को लगाना होता है। बैलेंस सॉइल में दोस्तों आप क्या कर सकते हैं, थोड़े से कंकड़ पत्थर का मिश्रण ले सकते हैं, जिसमें आप रेत भी ले सकते हैं, रिवर सैंड भी ले सकते हैं, मिट्टी ले सकते हैं, नॉर्मल जो आपकी सैंड होती है, सैंड कोई भी चलेगी, ब्लैक सॉइल हो, रेड सॉइल हो, कुछ भी चलेगी। और इसके अंदर थोड़ी सी खाद लेनी होगी, इसको उसमें लगाना होगा मिक्स करके, तो ये ईजिली सर्वाइव करेगा, ग्रो कर जाएगा। अब दोस्तों चलिए बात करते हैं कि इसको धूप में कैसे केयर करनी है। तो दोस्तों बता देता हूँ, डायरेक्ट सनलाइट इसको पसंद नहीं होती है। अगर आप डायरेक्ट सनलाइट में इसको रखोगे तो आप ये देख रहे हैं किस तरीके से इसके जो पत्ते हैं वो जल चुके हैं, ऐसे ऐसे इस तरह से थोड़ा थोड़ा जल जाते हैं। तो इसको डायरेक्ट सनलाइट में ना रखिए, इसको इनडायरेक्ट सनलाइट में रखिए, जो शेड में रख लीजिए, सेमी शेड में, जहाँ धूप छन के आ जाए। और काफ़ी ही मतलब कह सकता हूँ इसको ज़्यादा केयर की ज़रूरत नहीं होती है। बहुत से लोग सोचते हैं इसको ज़्यादा केयर की ज़रूरत है, बट इसको कोई केयर की ज़रूरत नहीं होती है। अब दोस्तों बात करते हैं इसको कैसे पॉट में लगाना है। तो दोस्तों मैं बताना चाहता हूँ, जब भी इसका पॉट का चुनाव करें तो कोशिश करें कि ज़्यादा से ज़्यादा पॉट के अंदर होल हो। जैसा कि आप देख रहे हैं इस पॉट के अंदर कितने सारे होल हैं। तो अगर आप ज़्यादा होल रखेंगे तो इसके अंदर पानी नहीं ठहरेगा, क्योंकि इसको ज़्यादा पानी मतलब ज़्यादा चिकनी मिट्टी पसंद नहीं होती है, इस वजह से इसके अंदर कंकड़ पत्थर डाले होते हैं। इसको नमी तो चाहिए सॉइल के अंदर, बट ये नहीं कि प्रॉपर कीचड़ हो, समझ रहे दोस्तों। तो इसके अंदर इस तरीके से आपको पॉट लेना है जिसमें काफ़ी ज़्यादा होल हो। और दोस्तों अगर आपको इस तरीके से इसको लगाओगे तो आप विश्वास करिए आपका प्लांट ईजिली ग्रो करेगा। चलिए दोस्तों बात करते हैं किस दिशा में लगाना है। तो दोस्तों आपको उत्तर दिशा में इस प्लांट को लगाना होगा, जैसे कि मेरा उत्तर दिशा ये वाला है, तो इस प्लांट को हम उत्तर दिशा में रखेंगे। उत्तर दिशा का बेनिफिट ये मिलता है कि जो भी इसका वास्तु में इसके जो दोष हैं, जो भी वो है, अगर आप किसी और दिशा में रखोगे तो इसके नेगेटिव इम्पैक्ट भी स्टार्ट हो जाते हैं। तो अगर आपको इसको उत्तर दिशा में रखोगे तो आपको इसमें बेनिफिट मिलने शुरू हो जाते हैं। और देखिए दोस्तों, मैं काफ़ी सारे लोगों को बताता हूँ कि एक कैरेसुला का प्लांट ही नहीं, आप अगर कोई भी प्लांट अपने घर में लगाते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा प्लांट रखते हैं, तो वास्तु दोष जो होते हैं वो आपके ठीक हो जाते हैं, और जो भी आपके घर में भगवान होते हैं जिनको आप पूछते हैं वो भी खुश रहते हैं। और ये तो आपको खुद को भी फील होता है कि जब आपके आसपास ग्रीनरी होती है, फूल ही रहते हैं, तो वहाँ का वातावरण बहुत शुद्ध होता है। तो दोस्तों हमको इसको रखना होगा उत्तर दिशा में। अब बात करते हैं इनडोर में इसको रख सकते हैं, यस हाँ इसको हम इनडोर में रख सकते हैं, बट ध्यान रखें फ़ैन के नीचे ना रखें इसको, ऐसी जगह ना रखें जहाँ पे इसको घर की ही हवा मिल रही है, बस एक जो हवा का जो सोर्स है वो फ़ैन है आपका, तो वो गलत हो जाएगा। इसको ऐसी जगह रखें जिसमें इसको थोड़ी बहुत बाहर से भी हवा मिल जाए, आपके फ़ैन से भी मिल जाए, और छन के धूप भी आ जाए, सनलाइट भी आ जाए। अब ये नहीं कि घर की ही लाइट दिखा रहे हो उसको, तो इसको इस तरह से नहीं रखना है। सबसे अच्छा होता है स्टेयर्स के आसपास रख दीजिए, जहाँ पे आपकी सीढ़ियाँ हों, तो वहाँ भी आप इसको रख सकते हैं। देखिए तरीका आपको रखने का बता देता हूँ। अगर आप इसको छत पे रख रहे हो उत्तर दिशा में, तो देखिए अगर मैं इसको इस तरीके से रख दूँगा तो इसमें डायरेक्ट सनलाइट आएगी, ठीक है दोस्तों। बट इसको अगर मैं ये यहाँ करके इस तरीके से, तो इस पर डायरेक्ट सनलाइट नहीं आएगी, क्योंकि ये दो पौधों के बीच में आ चुका है, समझ रहे दोस्तों। इसको यहाँ से भी छांव मिलेगी, पीछे से भी मिलेगी। अगर मैं चाहूँ तो इसको यहाँ भी रख सकता हूँ, पर यहाँ कोई वो नहीं है, आप इजीली यहाँ रख सकते हो। डायरेक्ट सनलाइट का मतलब यही होता है कि इसको फिल्टर, मतलब ये पहले झेल ले इस धूप को। जैसे कि आप मैरीगोल्ड का पौधा देख रहे हैं गेंदे का, तो पहले धूप इस पर पड़ेगी फिर इस पर आ रही है।
तो कहीं ना कहीं ये पौधों के बीच में होना चाहिए जिससे उसको ज़्यादा इम्पेक्ट ना आए। तो दोस्तों कैसा लगा वीडियो, वीडियो को शेयर करना, लाइक करना, सब्सक्राइब करना। फिर मिलेंगे किसी और नई वीडियो के साथ। अपना ध्यान रखना, बाय।